आखिर उठ गया। सबसे बड़े राज से पर्दा सोनम गुप्ता बेवफा नहीं थी। क्या सोनम गुप्ता ने वाकई किसी का दिल तोड़ा है? किसको दर्द दिया है? किसका जीना मुश्किल किया है? कौन है वह जिसके दिल में रहकर किसी के दिल से बदला लिया है? मोहब्बत पर बेवफाई से बदले की चर्चा आज इसलिए क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप पर सोनम गुप्ता की बेवफाई की दास्तां सुनाई जा रही है। एक नाम जिसका कोई चेहरा नहीं है, उसने देश में सनसनी मचा दी है। एक कहानी जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसने हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर नोट सोनम की कहानी के सिपाही बन गए हैं। एक सोनम गुप्ता बेवफा बताता है तो दूसरा सोनम की बेवफाई की वजह बताया जाता है, और ऐसे ही न जाने कितने नोटों से भरा हुआ है सोशल मीडिया। सोनम कहाँ है कोई नहीं जानता, कौन है कोई नहीं जानता, सोनम ने किससे बेवफाई की यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन बात हर कोई सोनम की बेवफा होने की कर रहा है। लोग जानते हैं तो सिर्फ ये कि सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम गुप्ता की कहानी सबसे पहले 10 रुपए का एक बूढ़ा हो चुका नोट दुनिया के सामने लेकर आया था। एक थके हुए 10 के नोट ने पहली बार यह बताया था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अपने रंग खो चुके उस नोट ने सोशल मीडिया के समाज को एक बहुरंगीन कहानी दे दिया है। उस वक्त भी इस नोट को लेकर बहुत चर्चा की थी। किसी ने मजाक में कहा तो किसी ने कहा कि प्यार में धोखा खा चुके आशिक का दर्द है। कुछ दिनों बाद 10 रुपए का वह नोट सोशल मीडिया से गायब हो गया है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया, उसके बाद अचानक सोनम गुप्ता की कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई। इस बार 10 रुपए का नोट नहीं बल्कि 2000 के नोट पर लिखा गया कि सोनम गुप्ता बेवफा है। इसके बाद तो फिर सिक्के भी आ गए आई। फिर क्या था, जनता इस कहानी पर टूट पड़ी, मानो जंग छिड़ गई है। माहौल ऐसा बना कि देश में नोटबंदी के बाद सोनम गुप्ता के बेवफाई का बढ़ा मुद्दा और कोई नहीं है। कई बार तो ऐसा लगा कि नोट बदलने से ज्यादा बड़ी खबर सोनम गुप्ता की बेवफाई है आई। एक बार फिर पुराने योद्धा की तरह 10 का नोट मैदान पर उतरा है। लेकिन इस बार उस पर लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ सोनम गुप्ता। 10 रुपए के दूसरे नोट पर लिखा था, धोखा तुमने दिया और बेवफा मुझे कहते हैं। और फिर 100 रुपए के नोट पर लिखा था, मैं बेवफा नहीं हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। 500 रुपए का नोट तो सोनम की मम्मी को भी साथ में ले आया, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, सोनम गुप्ता की मम्मी आए। इस बार 2000 का नोट फिर से आ गया और सोनम का जवाब लेकर आया। नोट पर लिखा है, बेवफा तू है सोनवीर सिंह, मैं नहीं सोनम गुप्ता। सिर्फ नोट ही नहीं, एटीएम से निकलने वाली पर्ची तक वफा और बेवफा की कहानी पर शामिल हो गई। यह एक पर्ची पर लिखा है, कुछ भावनात्मक वजह से यह एटीएम काम नहीं कर रहा है, यह वजह है सोनम गुप्ता बेवफा है आई। नए नोट आने के बाद नोट पर सोनम गुप्ता को लेकर मचे घमासान के बीच उन लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है जिनका नाम सोनम गुप्ता है। ऐसी कुछ सोनम गुप्ता से मीडिया मिला और यह जानने की कोशिश की कि आखिर जब इस तरह से सोशल मीडिया लोगों के मनोरंजन के लिए या वक्व्यंग के लिए या आपसी कौतूहल के लिए चलते हैं,